ग्राम धमहेड़ी के पावन भरा भक्तिदायक उषा हृदय से सादर सेवा करता हूँ, सेवा जोहार करता हूँ किसान मोर्चा के समस्त पदाधिकारी गण, कर्मचारी, जिला पंचायत के जिला पंचायत सदस्य, पंचायत के सरपंच, वार्ड के वार्ड मेंबर व ग्राम के सभी समस्त मातृशक्ति और पितृशक्ति आप सभी के सहित सादर से व्यवहार करता हूँ। पूर्वोत्तम ने बहुत कुछ शब्दों से आप लोगों के बीच में शब्दों का अवगत कराया है कि कुछ मैं अपने कुछ दिल विचार से कहना चाहता हूँ। लगातार आज से नहीं, सन 2007 से लेकर के आज सन 2024 तक हमने बस यही करते चले आए। अब हमको ये करना नहीं है, हमको ये करना नहीं है इसलिए कि हम सिर्फ खाली यही करते आए, भीड़ देखते चले आए और सिर्फ खाली नियम कानूनों के प्रति में हम सुनते समझते किसी एक दूसरे को कहते चले आए। हमारा कहना है कि हमारे बीच में हमारे क्षेत्र से चुन करके सांसद, विधायक, जिला पंचायत के अध्यक्ष सदस्य व मेरे पंचायत के क्षेत्र के जनपद सदस्य, ग्राम पंचायत के सरपंच, पंच, उनके ऊपर से पेस एक्ट कानून के तहत पर मैं सभापति अध्यक्ष बनाया गया। मैंने तो आज तक नहीं देखा, लगातार वैसे दो वर्ष धीरे धीरे पेस एक्ट कानून के तहत पर जो हर क्षेत्र के गांव गांव गली में जो लिखा हुआ है उसको मैं देखता हूं तो मेरे दिल में कचोट आता है। ऐसा लगता है कि क्षेत्र की जनता, कर्मचारी, पदाधिकारी, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे वो पंच हो, चाहे सरपंच हो, ये सब अनपढ़। मैं इसलिए अनपढ़ कहना चाहता हूँ क्योंकि उसके बारे में वो समझ नहीं पा रहे हैं। उनको समझना बहुत जरूरी है, इसलिए उनको समझना जरूरी है कि आपके कार्यकाल में, आपके पदाधिकारी के समय में जब इस प्रकार के खिलवाड़ शासन प्रशासन कर रहा है तो क्या आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है? आप लोगों को दिखाई देना चाहिए, सर्वप्रथम आपको सुनाई होना चाहिए। आप लोगों के ये नहीं ध्यान देने के कारण जो है हमारे क्षेत्र की जनता के बीच में समस्या आ रहा है। यदि आप लोग क्षेत्र के समस्या को लेकर के, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे कोई भी मंत्री मिनिस्टर हो, जहां पर भी जिनका बैठक लगता है वहां पर भी प्रश्न को करें, आपके कहने अनुसार से अगर शासन प्रशासन अगर नहीं सुनता तो आपके साथ में हमें आप चाहे लोकसभा ले जाइए और चाहे विधानसभा ले जाइए, जहां भी ले जाना है हमारी समस्या को यदि हमको अगर सुलझना है तो हमको वहां जाना पड़ेगा। यदि अगर हम लोग नहीं जाएंगे, नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे तो हमारा समस्या हल कैसे होगा बताइए, कैसे होगा? आज धीरे 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 करके कम से कम नहीं तो 15-16-17 साल हमारे एक मीटिंग डालने में ये कार्यक्रम देखने के लिए हमको मिल रहा है। अरे शासन प्रशासन को, पदाधिकारी कर्मचारियों को एक बार नहीं, हमने हजार बार ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित करके हमने दिया है, क्या आज तक आप लोगों पास नहीं पहुंचा? क्या आप लोगों तक नहीं पहुंचा है इसलिए आपको अभी भी ध्यान बांध रहा है? ऐसा कुछ आपके मन में विचार है? आपके मन में यदि अगर आपके बीच में यदि अगर वो हमारे आवेदन अगर पहुंच जाता तो ये मीटिंग बार बार हमको लगाने की जरूरत नहीं है और नई आवाज उठाने की जरूरत नहीं है, ये मेरी मानना। यदि आप लोगों के कहने से भी अगर वो नहीं मान रहे, आपकी मीटिंग की बात में प्रतिपालन अगर नहीं कर रहा है तो आप यहाँ से लेकर के मध्य प्रदेश सरकार तक आप लोग रैली लगाइए, हम जान के तत्पर तैयार है क्योंकि हमारी इसलिए हमको कहना पड़ा। हमने चुन करके क्षेत्र से विधायक भेजे, सांसद भेजे, जिला पंचायत सदस्य भेजे, जनपद सदस्य भेजे, लेकिन आज तक कोई ध्यान नहीं दे रहा। कौन ध्यान दे रहा है? अगर ऐसा अगर आप लोग ध्यान देते तो ऐसा हमको अभी भगवान भोगना नहीं पड़ता। अभी मैं कल गया था परसों, हमारे ग्राम के कोटवार क्या बोलता है, इधर वक्त तो तुम अल्लाह खेती करना बंद, तो कौन सरकार के बाप है कोठिन मत हरदाई से लाड के दखल में गाड़ी गाड़ी धर दे, हम बैठे बैठे खाओ। और नहीं तो क्या है कि जिस क्षेत्र में अपने बांध बांधने के लिए सोचा बंदर भूमि समझता है उस क्षेत्र के अन्न को आप कह दीजिए कि डूब क्षेत्र में जितने भी अन्न पैदा होता है उसमें बांध का बीज बना करके दिखाइए। ये पूरी किसान मोर्चा की समिति के पूरी अन्न धन को वहां ले जाकर हम आपको बीज दिखाएंगे क्षेत्र बंदर भूमि, ऐसा उसको आप अनुभव
लोग बंजर भूमि कहते हो, अन्य उगलने वाला तुम बंजर भूमि कहते हो, तो कम से कम एक बार पद को पाने के लिए मान रवदा के नाम से या पद को पाने के लिए क्षेत्र की आपने परिक्रमा किया है, ठीक उसी तरह से जहां से बांध बांधना शुरू हो रहा है और जहां तक बांध टूटने का पड़ रहा है वहां तक आप लोग परिक्रमा करके देख लीजिए कि वहां अनुभक्त की बंजर भूमि है। ये मेरी मानना है। तो मैं कहना चाहता हूं हमारे क्षेत्र के विधायक महोदय और सांसद महोदय से, हम आपके साथ में हैं, आप इंतजार करके पूरे क्षेत्र की जनता को ले जाइए, आपके विधानसभा में विधायक ले जाए और आपके लोकसभा में सांसद ले जाए, हम आपके जानकर साथ में जानकर तैयार है, क्योंकि हमारा धन धरती जा रहा है। हम ज्यादा नहीं कहना चाहते, हमारा धन धरती की सेवा करने के लिए, हमारी विकास की सेवा करने के लिए, हमारी स्वयं की सेवा करने के लिए हम आपको वोट देकर के हम आपको बनाया कि हमारी सेवा करेगा, ऐसा नहीं कि वहां जाकर के हमारे सेवा करेगा। आज शासन प्रशासन यहाँ आता भी है नहीं भी आता है, जैसे पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन किसका सेवा करता है, जनता किसी की सेवा करता है क्या? शासन प्रशासन कोई भी पदाधिकारी का इसको ऐसा करो तत्काल पकड़ को ले जाता है, तो जनता का शासन नहीं है वो, शासन का प्रशासन जो है पुलिस प्रशासन भी काम करता है, जनता का कोई काम नहीं करता। एक दिन क्या होता है, सर्वे करते समय में दो पुलिस विभाग के पदाधिकारी को मैंने देखा, मैंने बोला मैं कहा सर आप लोग क्या कर रहे हैं, कहने लगे कह रहे हैं कि नहीं हम लोग सर्वे कर रहे हैं, मैं कहा काहे की सर्वे कर रहे हैं आप लोग, काहे का सर्वे कर रहे हैं, यदि आप पुलिस प्रशासन हैं आपके बाल बच्चों को छुड़वा करके यदि आपका वर्दी उतार करके देकर हमको अगर आप पहन लिया जाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा क्या? धन धरती की बात छोड़ो मैं आपकी वर्दी की बात करता हूँ। अरे ऐसा तो नहीं होता दादाजी, तो कैसा होगा? ऐसा ही होगा। अब अंतिम समय में आ गया है, हम लोग पहले कहते थे कि नहीं अभी लड़ाई है और आगे जा करके बहुत ज्यादा लड़ाई तो हमको लड़ना। मातृशक्ति हमारे बीच में ठीक बोला, उन्होंने कहा कि महिलाओं को डंडा लेके आना होगा, डंडा भर नहीं, किसान मोर्चा का ऊपर में झंडा और नीचे में डंडा, तो झंडा रोकेगा दूसरे मारने वाला को, डंडा मारेगा, तो यह काम हमको करना होगा तभी हमारा यह नर्मदा बांध रुकेगा, वरना बीच में नहीं रुकने वाला। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए मेरे बीच में हमारे एक गुरु, हमारे एक प्रबुद्ध हमारे बीच में बैठे हुए, मैं अपने वक्तव्य को यह पर विराम देता हूँ। जय सेवा, जय बड़देव, जय गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रस्ते साहब।